हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं आशुतोष और आज इंडिया टीवी पर हमारे साथ एक खास मेहमान है। पूरी टीम मौजूद है ग्रहण की। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। थैंक यू। पवन सर जी, पवन सर आपसे शुरुआत करते हैं। जो हमने ट्रेलर्स देखे हैं, प्रोमोस देखे हैं, बड़े ही मजे, बड़ा ही पसंद किया जा रहा है, काफी अच्छे लग रहे हैं। किस तरह का किरदार होने वाला है इस बार आपका? मैं एक बेटी का बाप कर रहा हूं और बेसिकली एक लव स्टोरी का हिस्सा है। उसमें बैकड्रॉप जो भी है और वो लव स्टोरी जो है वो 30 साल बाद किस उसमें खड़ी है। तो मैं इसी तरह से कहूँगा कि इसमें कहानी प्यार की और फिर पेरेंटल लव उसी से जुड़ा हुआ। तो मेरा किरदार जो है एक बाप का है जो अपनी बेटी से बेहद प्यार करता है और अगर उससे, जैसे कि आपको हिंट हुआ होगा कि कुछ छिपा रहा है, तो वो इसी वजह से छिपा रहा है क्योंकि वो झूठ नहीं बोल रहा है लेकिन वो सच भी नहीं आगे बढ़ के बता रहा, ताकि वो बेटी को अपनी किसी वजह से अपसेट नहीं करना चाहता है, क्योंकि किसी जिसमें वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था उसने कुछ असर किया है। पर कहानी बेसिकली ये एक लव स्टोरी है जो हम 30 साल के बाद इसको वापस छेड़ते हैं, तो बैक एंड फोर्थ चलती है कहानी। बिल्कुल। जोया जोया, आपका जो किरदार है, एक स्ट्रॉन्ग पुलिस ऑफिसर का किरदार है, आईपीएस का किरदार है, तो किस तरह से इस बार केस की छानबीन होने वाली है और किस तरह से पकड़ा जाएगा लोगों को? लोगों को पकड़ा जाएगा या नहीं ये तो आपको देख के ही पता चलेगा, क्योंकि वो आईपीएस ऑफिसर है लेकिन वो एक आपकी बेटी भी है। बिल्कुल। अंशुमन, स्टार्टिंग विथ यू। जो अंशुमन, आपका और आपका जो एक लव एंगल है, कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा एक लव एंगल है, तो उस बारे में किस तरह का जो आपका होने वाला है, कैसा एक्सपीरियंस रहा? कहीं ना कहीं सिर्फ लव एंगल ही है मेरे पास, बहुत स्ट्रॉन्गली लव एंगल है। कहानी जो है सत्यव्यास जी की एक नॉवेल है 84, काफी ब्यूटीफुल, काफी खूबसूरत कहानी है। उसके ताने बाने के साथ बुनी हुई ये वेब सीरीज है। इस कहानी में मैं पवन सर का यंगर सेल्फ कर रहा हूँ और इस कहानी में जिस तरीके का है कि प्रेम प्रेम से शुरू हुई कहानी और प्रेम के कई कई मौलिक रूप हैं, उसको कई बार वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से आते हैं। तो मेरी कहानी है एक जो शुरुआत होती है एक सीधे साधे इंसान की जो कि बोकारो जैसे छोटे शहर जगह पर रहता है और अपनी लाइफ में अपनी परेशानियों से जूझ रहा है। उसे प्रेम होता है एक ऐसी लड़की से जो उसके बिल्कुल विपरीत है उसके स्वभाव के, उसके उसके हाव भाव तक काफी अलग है। बाहर से आई एक लड़की से प्रेम करता है और उस प्रेम के किस तरीके से वो अनफोल्ड होती है स्टोरी और क्या लास्ट में जाके जो शायद ये जो बहुत खूबसूरत स्टोरी दिख रही है इसमें कहाँ पे जाके उसे अब ये पब्लिक डिसाइड करेगी कि जो इस इंसान ने किया वो पवन सर की स्टोरी तक आते थे कि इंसान ने जो किया उसे अब सही के तौर पे देखेंगे या गलत के तौर पे देखेंगे। तो टोटल ओवरऑल मेरा कैरेक्टर उस तरीके का। वामिका, जिस तरह से जो हमने सभी से बात की, अलग अलग तरीके का एंगल, अलग तरह का एंगल है, काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है जितना हमने प्रोमोस देखा, ट्रेलर्स देखा, तो एक आपका अगर थोड़ा सा जो आपका किरदार है उस बारे में बताएंगे, किस तरह का किरदार होने वाला है आपका? जी, मैं मनु प्ले कर रही हूँ। मनु और ऋषि की प्रेम कहानी में मैं मनु हूँ और बहुत ही प्यारी सी लड़की है, खुश रहने वालों में से है, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेती है, अपनी दुनिया में रहती है, फिल्मी दुनिया में, फिल्मों के गानों की दुनिया में, अपने कपड़ों में कौन सा सूट पहनना है उसकी इतनी सी परेशानी है। और प्यार प्यार है आई थिंक, जिसकी वजह से उसको फिल्मों से भी इतना प्यार है कि जिस तरह से फिल्मों में प्यार दिखाया जाता है, और इसी तरह से आई थिंक जो प्यार उसको ऋषि से होता है वो भी बहुत ही गहरा और फिल्मी हो जाता है। हाँ ऋषि, मुझे लगता है काफी फिल्मी प्यार हो जाता है दोनों को। और सत्यव्यास जी ने जैसे बुक में जिस तरह से इस प्रेम कहानी को लिखा है और जैसे इसके बारे में बात किया है, आप वो पढ़ेंगे तो वो पढ़ते पढ़ते आपको प्यार महसूस होता है। तो हमें तो ऐसे पढ़ते वक्त ही लग रहा था कि इसको करेंगे कैसे, इसको हम ये इमोशन को कैसे ला पाएंगे बाहर। तो बहुत ही मजा आया शूट करते वक्त भी और आई होप कि वो जो प्यार हम अपनी जज्बातों से और आंखों से दिखाना चाहते थे, आई होप वो दर्शकों तक पहुंच जाएगा। जी बिल्कुल। पवन सर, जिस तरह की जो नाम है ग्रहण, जो नाम है, अगर अभी के इस समय को देखा जाए तो कहीं ना कहीं पूरा देश और पूरी दुनिया भी एक कोविड नाम के ग्रहण से ही गुजर रहा है,
तो इस दौरान मतलब शूट करना और फिर सारे प्रिकॉशंस भी लेना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, खुद को सुरक्षित रखना, तो ये सारी चीजें एक एड ऑन चैलेंज हो जाता है मतलब इस दौरान शूट करना, और कैसे एक्सपीरियंस रहा उस दौरान मतलब। हम तो फिर भी खुशकिस्मत है कि चैलेंजेस तो थे, आपको अपना ध्यान रखना है वहां पर बहुत, और एक शॉट में अगर आप हैं तो आप मास्क लगा के तो शॉट नहीं दे सकते हैं, तो वो एक आप चांस भी ले रहे हैं। तो फिर मैं तो भाई सुबह भी स्टीम और शाम को भी स्टीम और सप्लीमेंट्स और ये और खाने का ध्यान ये सब रख रहे थे, सिगरेट भी कम कर दी थी डर के, यू नो, सो वो सब तो हुआ ही है। और और हम हम तो सबके नेगेटिव टेस्ट भी होते थे वो सब टेस्ट भी हुए, लेकिन हम ओके फिर भी खुशकिस्मत हैं कि हम कंप्लेन नहीं कर सकते, हमने काम भी किया। और मैं हमेशा कहता था कि भाई अगर एक कमरे का भी घर है, आपके सर पे छत है, आपकी सेहत ठीक है, आपकी टेबल पे खाना है, आपके दरवाजे पे कोई आया, आप अपने जितने आप सक्षम हैं उस हिसाब से आप उनकी अगर मदद कर सकते हैं तो भगवान का बहुत बहुत शुक्र कीजिए कि जिस तरह से हुआ है। पूरी दुनिया में तो बहुत कुछ लोगों को बहुत नुकसान हुआ है और अभी भी पता नहीं ये कब तक रहने वाला है, नोबडी नोज, और ये क्या है अभी तक वो तो अपना रूप ही बदल रहा है बार बार। पर फिर भी हमने इतना कुछ किया, इतनी दूर तक ये ऑलमोस्ट 2 साल में निकले हैं, तो हम सबको इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए भगवान का कि हम बचे हुए हैं। ऑफ कोर्स देयर आर प्रॉब्लम्स, शूटिंग में प्रॉब्लम्स हैं, आने जाने बाहर सब हर तरह की प्रॉब्लम्स है, टेस्ट और ये सब, डर तो है मन में थोड़ा बहुत। ये कहना कि शूटिंग में थे तो कोई डर नहीं था, ऑफ कोर्स डर था, क्यों नहीं था। बिल्कुल जोया, आपसे जानना चाहेंगे लाइक कहीं ना कहीं जो ग्रहण है, डर है, इन सब के बीच एक स्ट्रांग पुलिस ऑफिसर निकल के बाहर आ रही है, तो इस किरदार के लिए कोई खास तैयारी है कि आपने किसी को फॉलो किया या किस तरह से, बिकॉज एक ऑफिसर का चाल चलन, एक पोस्चर होता है, एक बात करने का ढंग होता है, तरीका होता है, तो उस चीज में के लिए कोई खास स्पेशल प्रिपरेशन? प्रेपरेशंस तो काफ़ी की थी हमने, हमारी हमने बहुत वर्कशॉप की थी शुरू करने से पहले टू गेट दिस बॉडी लैंग्वेज एंड हैव दैट यू नो जो कमांड होता है, दैट क्वालिटी ऑफ बीइंग असर्टिव, दोस थिंग्स यू हैव टू वर्क ऑन अपार्ट फ्रॉम जस्ट जो हम रेगुलर वर्कशॉप्स करते हैं किसी चीज़ के पहले, विच इज़ फोकसिंग ऑन द स्क्रिप्ट एंड द कैरेक्टर्स एंड देयर इंटरेक्शन। तो एंड जो हमारे रेफरेंसेस थी, हम चाहते थे कि वो एक्चुअली लाइफ से हों, जो एक्चुअली वुमेन जो IPS ऑफिसर्स हैं हम उनसे इंस्पायर्ड हों, ये नहीं कि सिर्फ फिल्मों से, क्योंकि वो तो हो गया है, हमको वो चीज़ें करनी थी लेकिन अपनी तरीके से। राइट दैट हम एंड लॉन्ग फॉर्मेट है, इतने सारे एपिसोड्स हैं, एंड हम ये चाहते थे कि आप जो एक्चुअली जो सब कैरेक्टर्स हैं आप उनके साथ इमोशनली इन्वेस्ट करें, दैट्स व्हाट विल मेक यू वांट टू स्टे विद देम एंड वॉच ऑल द एपिसोड्स, नहीं तो आप वैसे कुछ भी चेंज करके लगा सकते हैं। सो इट वाज इम्पोर्टेंट टू अस दैट वी मेक जो भी कैरेक्टर्स हों, दे सीम लाइक होल पीपल, दे सीम लाइक रियल पीपल। बिल्कुल अंशुमन, आप ग्रहण की बात कर रहे थे, असल जिंदगी का ऐसा कोई वाकया जो आप शेयर करना चाहें, जब आपको लगा हो कि मतलब जिंदगी पे ग्रहण लगा और निकल गया, बट ऐसा कोई वाकया जो थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो रहा हो या थोड़ा सा दिक्कत? कई बार ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, अब मैं छोटी उम्र का तो नहीं, मतलब 30 साल, 3 दशक देख चुका हूँ अपने जीवन में, तो है काफी। जब आप आते हो बम्बई, अब छोटे शहर से हो, छोटे गाँव से हो, शहर आते हो यहाँ पे, और आपको अपनी जगह बनानी है, तो कई बार ऐसे मोमेंट्स होते हैं कि जब आपको लगता है कि आपने सही डिसीजन लिया है या नहीं लिया है, क्योंकि आप पीयर प्रेशर में पढ़ाई करके भी आए हो और आपको वो जॉब मिल रहा होता है और वो छोड़ के आप फिर ये शुरू करने की इच्छा रखते हो परिवार के सामने, तो आपकी अपनी अंदर तो भले ही आप किसी कितने भी फ्री विल के इंसान हो, लेकिन आपके अंदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं आपको कहती है कि उधर जाना चाहिए था शायद। तो उस दौरान बीच में कभी कई बार ऐसा मोमेंट था कि जहाँ पे लगता था कि शायद गलत डिसीजन ले लिया है, लेकिन ये दूसरा थॉट नहीं आ पाता था मेरे अंदर, तो वो सूरज तो जलता रहता है अंदर, ऊपर कुछ भी आया जाए वो अलग जगह है। आपके अंदर का विल जब आपको कह रहा है कि आप एक्टर हो तो आप एक्टर ही बनना चाहोगे, तो ऐसी चीजें हैं जो आपको ढकते रहेंगी, आती रहेंगी, जाती रहेंगी, जो बाद में फिर से निकला वही उसी का नाम सूरज है। पर ग्रहण कहाँ लगा यहाँ पे? ग्रहण लगा ना, देखो इसी ग्रहण को किस तरीके से तुम आइडेंटिफाई करती हो। एक चीज सूरज के ऊपर, को सूरज के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता उस चीज पे, वो सिचुएशंस होती है जो आपके ऊपर आती है। हमारी कहानी इसी चीज के बारे में, कि सिचुएशंस वैसी आती हैं आपके जीवन में। मन समझ गई, मैं समझ गई। नाइस। सिचुएशंस आपके ऊपर आती हैं जो आपको ढक लेती हैं या आपको,
बिल्कुल मनिका, आपसे भी आपसे जानना चाहेंगे, आप भी कह रहे थे लाइक किस तरह से जो एक्सपीरियंस था, ओवरऑल एक्सपीरियंस था ग्रहण का, और साथ ही साथ मतलब ऐसे कोई बाकी अगर असल जिंदगी में, ऑब्वियसली अभी तो कोविड का टाइम चल रहा है तो हम सभी कहीं ना कहीं थोड़े से डिस्टर्ब हैं, बट असल जिंदगी में ऐसा कोई वाक्य जब भी ग्रहण की बात करेंगे तो कौन सा इंसिडेंट होगा जो हमेशा आपके जहन में रहेगा? मेरी लाइफ में, आई थिंक हम सबकी लाइफ में, ये जो कोविड और ये पैंडेमिक और लॉकडाउन लगा है, मुझे लगता है कि सबकी जिंदगी में वो ग्रहण है जो सबकी जिंदगी में लगा है। और ये ग्रह, ये अपनी सीरीज का ऑडिशन मैंने लॉकडाउन से पहले दिया था और ये बना है लॉकडाउन के बाद में, तो वो उतने पीरियड के लिए हम कोई भी कोई काम नहीं कर रहा था, कहीं से कोई पैसे नहीं आ रहे थे, सब घर पे बैठे हुए थे, अपनी सेविंग्स को हम एग्जॉस्ट कर रहे थे, तो एटलीस्ट आई थिंक हम सबके लिए कोविड का और ये पैंडेमिक और लॉकडाउन वाज आई थिंक द बिगेस्ट ग्रहण जो लगा है और जो काफी देर तक लगा रहा, और अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि छोटी छोटी लाइट दिख रही है और वो जा रहा है, तो आई थिंक दिस इज वन ग्रहण जो हम सबकी लाइफ में लगा है। चलिए ये तो खबर मिल गई मैडम से कि वो जा रहा है, थैंक यू सो मच। चलिए हमने ट्रेलर्स देखे और उम्मीद कर रहे हैं वैसे जो सीरीज देखने में बहुत मजा आएगा, तो पवन सर जाते जाते आपसे ही, आप सभी की ओर से मतलब लास्टली सभी दर्शकों, फैंस, व्यूअर्स से सभी से क्या कहना चाहेंगे आप? मतलब बस यही कि हमें इस कहानी में विश्वास था, और कभी कभी होता है ना एक औलाद बिल्कुल सही बैठ जाता है, तो ये कहानी, उसके लिए डायरेक्टर, उसके लिए जो प्रोड्यूसर सबसे पहले, और फिर सब एक्टर्स राइट, कभी कभी ऐसा होता है कि सब कुछ, एक प्रोड्यूसर ने एक अच्छी कहानी उठाई, लिखने वाले ने अच्छे से लिखा, डायरेक्टर ने उसको उठाया, और फिर एक कास्ट बनी, एक टीम बनी, चाहे वो टेक्नीशियंस हों, जैसे मैं किसी को बता रहा था कैमरा डिपार्टमेंट वाले सुबह 6 बजे भी एक कड़ाके की ठंड में पूरी रात काम करके सुबह 6 बजे भी, अरे ये मजा नहीं आया, ये ऐसे करते हैं कर रहे हैं, तो बहुत दिल से प्रोजेक्ट बना है, और आई एम वेरी हैप्पी कि मैं आई एम पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, और हम तो यही सोच के हमने इस प्रोजेक्ट को बनाया और इसका हिस्सा बने, और हमें लग रहा है कि सब चीज़ें राइट प्लेस पर आके टिकी है, जो कि कभी कभी अपने आप हो जाता है, वो कुछ शायद कोई एक फोर्स होती है जो करती है, एंड एवरीबडी हैज़ परफॉर्म सो वेल, एवरीबडी हैज़ डन, हर एक ने अपना अपना डिपार्टमेंट खूब अच्छे से संभाल के किया है, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और आशा यही करते हैं कि जो जिस चीज में हमने विश्वास दिखाया वो लोगों को पसंद आए। थैंक यू सो मच, आप सभी ने हमें समय दिया, टाइम दिया, वक्त निकाल के बात की, विशिंग यू ऑल गुड हेल्थ एंड गुड, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, यू आल्सो टेक केयर, लुक आफ्टर योरसेल्फ।